नंबर चार देखिए क्या कह रहा है। ताश के 52 पत्तों की गड्डी से 3 पत्ते निकाले जाते हैं, इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करें। चलिए हमें इक्को की संख्या का प्रायिकता बंटन ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक्स जो है एक्स एक्स इक्को की संख्या को सूचित करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, माना x x जो है यहाँ पे लिख देते हैं कि इक्को की संख्या को सूचित करता है। अच्छा यहाँ पर 3 पत्ते निकाले जा रहे हैं, है ना, चूंकि 52 पत्तों में से 3 पत्तों को निकाला जाता है। तो जब निकाला जाता है तो हो सकता है इक्कों की संख्या एक भी ना हो, यानी तीनों के तीनों अलग पत्ते निकले। हो सकता है कि एक इक्का हो बाकी दो अन्य पत्ता हो सकता है कि दो को इक्का हो या हो सकता है तीन को इक्का हो, यानी कि चर का मान 0, 1, 2, 3 तक होगा। चलिए यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पर क्या एक भी इक्का ना निकले की प्रायिकता, एक भी इक्का यानी कि शून्य इक्का निकलने की प्रायिकता, इसी को ना सूचित कर रहा है। तो देखिए एक भी इक्का ना निकलने की प्रायिकता, यानी इक्का चार गो होता है, चार गो छोड़ देंगे तो पत्ता कितना बचेगा 48 गो, तो 48 में से कोई अन्य 3 पत्ता होगा और टोटल हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग 52C3 लिख सकते हैं। टोटल नीचे जो होगा 52C3, क्योंकि हमें 52 में से 3 पत्तों को निकालना है। चलिए क्लियर है, तो इसको सॉल्व कर देंगे। ऊपर हो जाएगा आपका 48 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल और फिर 48 माइनस 3 का फैक्टोरियल, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा 52 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल और फिर 52 माइनस 3 का फैक्टोरियल। चलिए ये 3 के फैक्टोरियल से 3 का फैक्टोरियल कट गया। अब देखिए इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 48 का फैक्टोरियल बटा में यहाँ पर घटा देंगे तो 45 हो जाएगा और गुना में ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 का फैक्टोरियल बटा में 52 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 48 का फैक्टोरियल है ना, तो 48 गुना में यहाँ ले लेते हैं 47 गुना में 46 गुना में 45 का फैक्टोरियल, क्योंकि नीचे 45 का फैक्टोरियल है और फिर गुना में ऊपर ये 49 का फैक्टोरियल ऐसे ही छोड़ देते हैं और इस 52 के फैक्टोरियल को तोड़ते हैं, हो जाएगा 52 गुना 51 गुना 50 गुना 49 का फैक्टोरियल। तो ये 49 का फैक्टोरियल 45 के फैक्टोरियल से 45 का फैक्टोरियल। अब देखिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम इसे काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं जी, तो यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 48 से 47 46 है, तो एक काम करते हैं इसको आप काट देते हैं 4 से, तो 13 बार में और ये 12 बार में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसको 12 को काटते हैं 6 से, 6 बार में और 25 को काटते हैं यहाँ पर कितना बार में, 50 को काटते हैं 25 बार में और 6 को काटते हैं 2 × 3 = 6 से और ये 17 × 3 = 51, तो कितना आ जाएगा ऊपर, तो यहाँ देखो 2 × 47 × 46 है, 2 × 47 × 46 यानी कि आ जाएगा, यहाँ पे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा जी, आ जाएगा 4324 और बट्टा में 13 × 17 × 25 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5525, है ना जी। चलिए अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं x इक्वल टू 1 पर, यानी कहने का मतलब कि x इक्वल टू 1 पर, यानी कहने का मतलब कि एक 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 इक्का निकलने की प्रायिकता, तो एक इक्का निकल रहा है इसकी प्रायिकता, तो एक गो इक्का, तो चार गो इक्का होता है, चार में से कोई एक इक्का निकल सकता है और गुणा में एक गो इक्का निकला तो अन्य 2 पत्ता होगा, तो 48 को बचा ना पत्ता 48C2, उसमें से 2 को पत्ता निकाल लेंगे और नीचे आपका हो जाएगा वही 52C3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 4C1 का फैक्टोरियल जो होगा 4 ही होता है, 48C2 का, तो 48 का फैक्टोरियल बटा में 2 का फैक्टोरियल और गुना में 48 माइनस 2 का फैक्टोरियल, और नीचे देखिए इसका 52 का फैक्टोरियल बटा में 3 का फैक्टोरियल और गुना में 52 माइनस 3 का फैक्टोरियल। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर
चार गुना में 48 का फैक्टोरियल और बट्टा में 2 का फैक्टोरियल 2, और यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 46 का फैक्टोरियल गुना, ये पलट जाएगा 3 का फैक्टोरियल और गुना में यहाँ पे ये घटाएंगे तो हो जाएगा 49 का फैक्टोरियल और बट्टा में 52 का फैक्टोरियल। चलिए देखते हैं इसके बाद, यहाँ 4 गुना 48 का फैक्टोरियल को 48 गुना 47 गुना 46 का फैक्टोरियल कर देते हैं, और नीचे आपका 2 गुना में 46 का फैक्टोरियल, फिर गुना 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, और 49 का फैक्टोरियल को ऐसे रखते हैं और इस 52 को तोड़ते हैं, तो 52 गुना में 51 गुना में 50 गुना में 49 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा। अच्छा, 46 के फैक्टोरियल से 46 का फैक्टोरियल, और 4 को काट देंगे 2 से 2 बार में। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब हम लोग काट देते हैं इस 2 से 50 को 25 बार में, फिर हम लोग ये 3 से काटते हैं 2 बार में और ये 17 बार में, फिर 2 से काटते हैं 52 को 26 बार में, फिर इस 24 को काटते हैं 2 से 24 बार में और इसको 13 बार में। तो अब यहाँ पर गुना कर देते हैं, 24 गुना 47 है तो 24 में 47 से गुना कर देंगे तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 1128, और बाई में इसको गुना करेंगे 13 गुना 17 गुना 25 तो वही आ जाएगा 5525। ठीक है, अब हम लोग ले लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू में 2, यानी कि 2 इक्का आने की प्रायिकता या 2 इक्का निकलने की प्रायिकता, 2 इक्का निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता को सूचित कर रहा है। तो 2 इक्का निकल रहा है यानी कि हो जाएगा 4 में से 2 इक्का निकल जाएगा और 48C1 इसमें से, यानी कि अन्य पत्तों में से एक पत्ता निकला और 4 इक्का में से 2 इक्का निकल गया और बट्टा में वही 52C3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 4C2 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टोरियल बट्टा में 2 का फैक्टोरियल और फिर 4 - 2 का फैक्टोरियल, 48C1 का हो जाएगा 48 और बट्टा में नीचे देखिए 52 का फैक्टोरियल बट्टा में 3 का फैक्टोरियल और गुना 52 - 3 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, 4 का फैक्टोरियल तो 24 कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ बट्टा में 2 का फैक्टोरियल 2 या घटेगा 2 का फैक्टोरियल 2 और गुना में 48, फिर गुना में इसको ऊपर लेंगे 3 का फैक्टोरियल 6 गुना में यहाँ पे घटाएंगे तो 49 का फैक्टोरियल और फिर बट्टा में इसके 52 का फैक्टोरियल। अब इसको आगे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले बाद में काटा जाएगा, चाहे काट भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस 2 से काट दो 24 को 12 बार में, फिर 2 से काट दो 6 बार में, तो देखो 6 × 48 × 6 गुना में 49 का फैक्टोरियल और 52 को तोड़ेंगे तो 52 गुना में 51 गुना में 50 गुना में 49 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा। अच्छा, हम लोग काटते हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप 4 से इसको 12 बार में और इसको काट देंगे 13 बार में, ठीक है। अच्छा, 3 से काटते हैं इसको 2 बार में और इसको 17 बार में, 2 से इसको काटते हैं 25 बार में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 12×72 और बटा में इसमें तीनों में गुना करेंगे तो आ जाएगा 5525। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू 3, यानी कहने का मतलब है कि 3 इक्का आने की प्रायिकता, 3 इक्का निकलने की प्रायिकता, निकलने की प्रायिकता, 3 इक्का निकलने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 4 में से 3 इक्का निकल सकता है और बट्टा में आपका 52C3। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 4C3 का वैल्यू 4C3 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 4 और बट्टा में नीचे 52 का फैक्टोरियल और बट्टा में 3 का फैक्टोरियल गुना 52 - 3 का फैक्टोरियल, तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका आ जाएगा, आपका आ जाएगा 4 गुना में 3 का फैक्टोरियल हो जाएगा 6 और गुना में 49 का फैक्टोरियल और बट्टा में 52 का फैक्टोरियल। चलिए अब इसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं, 4 × 6 × 49 का फैक्टोरियल और बट्टा में इसको कर देते हैं 52 का फैक्टोरियल को 52 × 51 × 50 गुना में 49 का फैक्टोरियल, ये इससे कट जाएगा। 4 से काट देते हैं 13×52। चलिए अब इसके बाद इसको 3 से काटते हैं 2 बार में और इसको काटते हैं 17 बार में, 2 से काटते हैं इसको 25 बार में, ऊपर 1 बच गया तो 1/5525 आ गया। तो अब हम लोग इसका प्रायिकता बंटन लिखना होगा, तो यहाँ प्रायिकता बंटन दिखा सकते हैं, देखिए किस तरह से एक चार्ट बना लेते हैं प्रायिकता बंटन के लिए।
ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसमें जीरो से लेकर थ्री तक न जाना था, एक काम करते हैं पांच को कॉलम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए पांच को कॉलम हो गया। अब इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं आपका चार एक्स और यहाँ पर पी एक्स प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो वन टू थ्री। हम लोग जीरो रखे थे तो जीरो रखने पे आया था आपका एक्स इक्वल टू जीरो पर प्रायिकता का मान कितना आया था जी, तो आया था आपका फोर थ्री टू फोर बाई में आपका फाइव फाइव टू फाइव। अच्छा वन पर आया था वन वन टू एट बाई में फाइव फाइव टू फाइव। अच्छा फिर उसके बाद टू पर कितना आया था, तो सेवेंटी टू बाई में फाइव फाइव टू फाइव। अच्छा फिर उसके बाद थ्री पर कितना था, वन बाई में फाइव फाइव टू फाइव। तो हमने यहाँ पर एक प्रायिकता बंटन निकाल दिया। क्वेश्चन नंबर